ख्वातीन के शोबे में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम ख्वातीन की तरफ से तो कर सकती हैं। माई नेम इज धनश्री सावंत एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बी कंप्यूटर सेकेंड ईयर. सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, इज द फर्स्ट पेयर ऑफ ह्यूमन बींग इज हैवन बींग प्रूव बट इट इज नॉट एस्टेब्लिश येट. बट नाउ हाउसेज विल बी गोइंग टू प्रूव इट बिकॉज वी कांट गो बैक इन टाइम. थैंक यू. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मजहब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहि सलाम और हवा अलैहि सलाम थे, लेकिन साइंस ये तस्लीम नहीं करता. हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहि सलाम और बीवी हवा थे. पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS. ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की. और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयते हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है. और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं. जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है. 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है. अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं. इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है. अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते उसे डाउटफुल कैटेगरी में. डाउटफुल, वी डोंट नो. तो मेरी लॉजिक ये कहती है अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके, तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा. और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा. साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ. आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं. साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोजख का, कुरान में जिक्र है जिन का. साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है. तो बहुत सी चीजें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है. इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोजख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगी कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी. आई एम वसीम भंडारी, आई एम फ्रॉम बीजापुर कर्नाटका. आई आस्क वन ऑफ माई फ्रेंड टू कम टू दिस प्रोग्राम बट ही सेड I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this: वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. सो isn't it a contradiction? This is why he's asking, because I say there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you.
بھائی صاحب نے اپنے غیر مسلم کا سوال پوچھا ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا, اور میں نے اپنے تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے, تو یہ کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟ جو لوگ کو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو غلط فہمی ہو سکتی کہ کانٹرڈکشن ہے, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہو, کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ذرہ بھر اگر آپ نے نیک کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گا, اور ذرہ بھر غلط کام کیا اس کا حساب لیں گا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ صرف ایسا نہیں چاہتا ہے کہ یہ آدمی اچھا دکھتا ہے تو اس کو معاف کر دوں, یہ آدمی کا شکل بری ہے تو اس کو معاف نہیں کروں گا, یہ آدمی گورا ہے تو معاف کروں گا, یہ آدمی کالا ہے تو معاف نہیں کروں گا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجسٹ ہوں گے. معاف کرنے کے بھی کرائیٹیریا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے اگر میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کروں گا. توبہ کرنے کے شرائط ہے, توبہ کرنے کے شرائط ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط چیز کرتا ہے تو پہلے اسے ماننا چاہیے کہ وہ غلط ہے, نمبر دو اس غلط کام کو روکنا چاہیے, نمبر تین اس غلط کام کو پھر سے نہیں دہرانا چاہیے, نمبر چار اگر وہ غلطی کو انڈو کر سکے, اس غلطی کو واپس سے انڈو کر سکے, مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے 1000 روپیہ, وہ واپس دے سکتا ہے, اسے واپس دینا چاہیے, تو اگر وہ توبہ کرتا ہے اور چاروں شرطوں پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. اس کا مطلب کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اللہ رحمت والا ہے, اللہ رحیم ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ اگر آپ غلطی کریں گے آپ کو معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہر انسان کی چھوٹی غلطی پکڑے اور اگر ایک بھی غلطی کو معاف نہیں کرے تو اللہ کے رسول کے حساب سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 چھوڑ کے ہر سورے کے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحیم اور رحمت والا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیالو ہے, ہی از لونگ, ہی از مرسیفل, ہی از بینیفیشنٹ, اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موقع دے رہا ہے توبہ کرنے کا اور صحیح راستے پہ آنے کا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اپریشیٹڈ دی کلاس دیٹ یو گیو, اٹ ہیڈ اے گڈ امپیکٹ آن پیپل ایز ویل ایز دی پریچنگ موڈ دیٹ یو کیریڈ اباؤٹ دی سپریم لارڈ دیٹ از اللہ از موسٹ پریز وردی. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formalities considered. You said that... Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am B computers in profession and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something and he asked me some questions like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vaunsho jiva loke jiva bhutana sanatana manasashtani indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses
which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram riksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable om. I am the Rig, the Sam and the Yajurvedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve His mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. Bhai sahab ne ek acha sawal pucha hai. I'm sorry, I'll answer in Urdu because the program is in Urdu and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good, it is simple with all the grammatical errors. Bhai sahab ne sawal pucha hai. Kaha hai ke unne meri takreer sun chuki hai aur kuch baaton pe use aitraz hai aur उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते हैं ना तस्य प्रतिमास्ति और मैं इसमें नहीं मानता हूं, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं? मैंने बोला बेशक। और उनके सवालात में उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूं कि अल्लाह सुबहाना तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवद गीता के दो श्लोक का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूं, मैं आपका माता हूं। तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूं कि खुदा बेटा नहीं जनता, गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन, लेकिन आम सन हो सकता है। आम सन, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीड द बाइबल, बाइबल सेज इन द बुक ऑफ रोमन्स दैट ऑल दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह का बेटा है। उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम। हम भगवान के बच्चे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़ईफ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान, पर आएगा। लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं इधर आओ, तो वो उसको एक लाफा मारेगा। बेटा मतलब सन, वो छोटा आदमी है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट। मिसाल के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैजुर रहमान ने कहा कि शेख दीदात ने कहा डॉक्टर जाकिर नायक को बेटा, और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरे वालिद के समान है। लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जना हुआ बेटा, तो प्रॉब्लम है। आप समझ रहे कि नहीं? दिस इज द लैंग्वेज। तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज फादर, तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा रब है, उस तरीके से आप कहते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसीलिए कुरान मजीद में 99 सिफत है अल्लाह ताला की, उसमें से अब जो आसान है जानबूझ के नहीं लिखा है, लेकिन रब जो और मुश्किल है, रब बोलना अब से और मुश्किल है। जान अपने सिफतों में अब को नहीं लिखा, क्यों? लोग उससे गलत मानी ले सकते हैं। वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आमतौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ, कोई हर्ज नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल में अगर कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं। उस तरीके से ईसा अलैहि सलाम बेशक अल्लाह सुबहाना व ताला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे, वो बेशक बेटे थे। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं, तो ऑब्जेक्शन। आप समझे ना? तो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं। एक वर्स है
Gospel of John, chapter number 3, verse number 16, jisme likha hai, kya, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die, but have everlasting life. To ye verse jo Bible ki hai, Gospel of John, chapter number 3, verse number 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die, but have everlasting life. Ye ek hi jagah pe likha hua hai, begotten son. लेकिन जब आप RSV पढ़ते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, रिवाइज्ड बाय 32 स्कॉलर्स, क्रिश्चियन स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट एमिनेंस, वो लिखते हैं कि ये लव्स जना हुआ, ये लव्स बिगॉटन, इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेशन है, बनावटी है, ये बाइबल में था ही नहीं. और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ये लव्स को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है. इसी तरीके से आपने जो कहा कि भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, इन कॉन्टेक्स्ट मुझे प्रॉब्लम नहीं है. हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि खुदा हमारे वालिद है. क्यों? क्योंकि लोग को गलत फहमी हो सकती है. लेकिन अगर कोई इंसान सही कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जने हुए नहीं. इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता, वेद. वेद सबसे ऊंची किताब है. वेद के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है इतिहास. तो अगर आपको जानना, इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता. अगर आपको कोई शक है इसके मानी में क्या हो सकता है, अगर दो मानी निकलती है तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास. आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं, स्वतः स्वतः उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, उसमें लिखा है ना चदसे कसिज जनिता ना चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का ना वालिद है ना वालदा है. He has got no superior, no father, no mother. मैं कंप्लीट करता हूं फिर मौका दूंगा. इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि को नहीं मानता हूं. क्या आप वेद को नहीं मानते? आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूं, तो मैं जवाब दे सकता हूं. तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं, लेकिन पहले जब आपने कहे ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ये हवाला है स्वेता स्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति. प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है. अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे, लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुद्ध, के मानी है फोटोग्राफ, के मानी है स्टैच्यू, उसके मानिए स्कल्पचर. तो जब वेद और श्वेता सूत्र उपनिषद में आते हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, तो ये मानी है. अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में. और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है, फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते हैं कि नहीं मानते. तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून. अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है. और जो मैं कह रहा हूं, आपको कई कॉमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है. आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं. वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर. या आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इफ यू डोंट माइंड. फर्स्ट पार्ट व्हाट यू सेड वाज दैट वी ऑल आर सन्स ऑफ गॉड, इफ वी से दैट देयर इज नो हार्म. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. The only object when a Christian says that Jesus is son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the son of God.
Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what, because we know the context, that's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. हम ये नहीं चाहते कि गलत फहमी हो, इसीलिए हम जान पूछ के ये भी नहीं कहते कि हम बेटे हैं खुदा के, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. अगर कोई गलत फहमी लेता है मेरे अल्फाज से, हम इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल, हम जान पूछ के एहतियात लेते हैं. और ऐसे अल्फाज जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है, खुसूसन खुदा के लिए, भगवान के लिए, हम क्या करते, तहकीक करते हैं, और we are very careful that not to use this word. Hope that answers the question, brother.